संबंधों में मांगों को लेकर शासन स्तर पर बैठक करते थे और आपको बताने का कार्य करते थे। तो नए संगठन के नेता द्वय द्वारा उसका काउंटर जरूर किया जाता था। इसी नाते मैं चुप्पी लगा लिया कि ये नेता द्वय द्वारा कुछ करके दिखाया जाए या केवल झूठी अफवाह फैलाई जाए। ये नित नए संगठन के जितने नेता हुए ये दो महीने में कोई कार्रवाई, कोई वार्ता, कोई सार्थक पहल आपके बीच में नहीं लाए, लेकिन सफेद झूठ जरूर बोलते हैं और बहुत अच्छा सफेद झूठ बोलते हैं जिसमें हम सब को गुमराह होने में देरी नहीं लगती है और गुमराह इतना करते हैं जिसपे योग्यता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। आपने देखा होगा, आप सब कहते हैं कि हम योग्य हैं, प्रशिक्षित हैं, सारी योग्यता मेरे पास है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, आप सारी योग्यता आपकी धरी की धरी रह जाती है, लेकिन नित नए संगठन के नेता द्वय द्वारा जब आपके बीच में कोई ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया पे डाल दिया जाता है तो आप मूर्ख भी बहुत आसानी से बनते हैं और तथा अपनी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर लेते हैं। ये आप जानते भी हैं, समझते भी हैं, परखते भी हैं, लेकिन गलतियां पे गलतियां कर जाते हैं। जैसा कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है और आदेश मैं गहनता से निरीक्षण भी करवा लिया। श्रीमान वरिष्ठ एडवोकेट आदरणीय पीएन मिश्रा जी द्वारा दिल्ली, वो सारे आदेश का एक ही आधार है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार पर ही आदेश निर्भर है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहे आपसे आपको लीक से लाख बना दे, चाहे लाख से लीक बना दे, क्योंकि